संदिग्ध आतंकियों ने पूर्व पुलिस अधिकारी के घर से दो बंदूकें चुराई। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें जारी हैं। अभी रविवार देर शाम को कुछ संदिग्ध आतंकियों ने एक जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी के घर में घुसकर वहां से दो ऑटोमेटिक राइफल चुरा ली। ये घटना बड़गाम के गोपालपुरा और करालपुरा इलाके की बताई जा रही है, जहां रात करीब 10:45 पर दो अज्ञात आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से दो बंदूकें और गोलियों से भरी मैगजीन चुराकर फरार हो गए। कार्रवाई अमन बस पाकिस्तान के लिए फिर से हुई रवाना। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद तक चलने वाली कार्रवाई बस सोमवार को फिर से बहाल कर दी गई। ये बस सर्विस एहतियातन के तौर पर पिछले सप्ताह स्थगित कर दी गई थी। 1200 कश्मीरी छात्रों ने दी एएमयू छोड़ने की धमकी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मननवानी के एनकाउंटर के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में उसकी याद में शोक सभा आयोजित करने को लेकर चल रहे विवाद में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। अब यहां के कई छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बीते दो दिन में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने को कहा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम 1200 छात्र 17 अक्टूबर को सामूहिक रूप से अपनी डिग्रियां यूनिवर्सिटी प्रशासन को सरेंडर करके यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाएंगे। मुझ पे बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो गया कि हम लोग अगर इस तरह का माहौल रहा मुझे नहीं लगता हम पढ़ पाएंगे। तो मैंने कल प्रॉक्टर से भी यही बात रखी कि मुझे लगता है कि जो 17 को इस बार सरसी डे होगा तो इस दिन कश्मीरियों ने डिसाइड किया है कि वो एनमास यानी पूरा मास्क डिग्रीज यहाँ सरेंडर करके कश्मीर गोबे का नारा देंगे। कुलगाम में सुरक्षा बलों का खोज अभियान शुरू। कुलगाम के कांदीपोरा गांव में आतंकवादियों के होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने गांव को चारों ओर से घेर लिया और खोज अभियान शुरू कर दिया। अभी तक क्षेत्र से किसी तरह की गोलाबारी की खबर नहीं मिल पाई है। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को मुफ्त मिलेगा 5 लाख का बीमा कवर। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को अब 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड SMVDSB के अध्यक्ष सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता वाली बोर्ड की 63वीं मीटिंग में इसकी मंजूरी दे दी गई। अब वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को 5 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा और घायलों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। हाथ से मिला के हाथ चलना हमें है साथ साथ, रास्ते रोशन यहाँ मंजिल करे नई बात बात, चलना है लेके काफिले, बढ़ना है मिटा के फासले, पाना है आज तो आसमान भी देखा है। प्रयाग बारा यूनिवर्सिटी, मेक योर मार्क ऑन द रोड्स ऑफ सक्सेस। एडमिशन ऑफिस एट बाहू प्लाजा, हॉल नंबर 304, थर्ड फ्लोर A2, साउथ ब्लॉक जम्मू। ब्रांच ऑफिस एट कठुआ एंड उधमपुर, कॉन्टैक्ट नंबर 9070234234।